साधारण जलप्रपात क्या है? नॉर्मल वाटरफॉल। जिस जलप्रपात का निर्माण नदी के सामान्य जीवन इतिहास में चट्टानों के विभिन्नता के कारण होती है, जैसे कड़ी या मुलायम स्थिति के कारण, उसे ही साधारण जलप्रपात की संज्ञा दे दी जाती है। इसीलिए साधारण जलप्रपात चट्टानों की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। उसमें हम बता सकते हैं कि इनकी जो परिस्थिति होती है वो कई अन्य अन्य तरह से होती है। जैसे जब कोई नदी कठोर उच्च पर्वतीय भाग के नीचे की ओर मुलायम तथा कमजोर चट्टानों वाले प्रदेशों में उतरती है, तो वह अपने तीव्र ढाल तथा वेग के कारण मुलायम तथा कठोर चट्टानों को आसानी से तथा तेजी से शीघ्र ही काट देती है और इस स्थिति का निर्माण हो जाता है। इस स्थिति में नदी घाटी के तल पर कमजोर तथा कठोर चट्टानों के संधि तल पर असमानता उत्पन्न हो जाती है, जिससे जलप्रपातों का निर्माण हो ही जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में हडसन नदी के अपलेशियन के दक्षिणी किनारे पर तक जलप्रपातों की सीधी रेखा में झड़ी सी लग गई है, जो विश्व में जलप्रपात रेखा के नाम से प्रसिद्ध है और जानी जाती है। नंबर दो, किसी नदी घाटी में चट्टानों की संरचना इस प्रकार पाई जाती है कि कोमल चट्टानों के बीच कठोर आग्नेय चट्टानों की परत लंबवत रूप में सटी रहती है। इसलिए जल प्रवाह कठोर चट्टानों के नीचे मुलायम चट्टानों को तेजी से काट देता है। इस स्थिति में कठोर चट्टानें लंबवत रूप में पिंड की तरह ऊपर लटका हुआ रह जाता है, यानी खड़ा रह जाता है। इस पिंड पर नदी के जल के तेजी से गिरने पर जल प्रपातों का जन्म हो ही जाता है। जैसे अमेरिका में ही येलोस्टोन नदी के अपने मार्ग में ऐसे कई जल प्रपातों का निर्माण देखा गया है। अगर नंबर हम थ्री में कहें, सिर के लिए कहें, किसी नदी के प्रवाह मार्ग में कोमल चट्टानी परतों के ऊपर कोई कठोर चट्टानी परत बिछी रहती है, तो वहां जल प्रपातों का निर्माण होना संभव है। जब कठोर चट्टानी परतों से जल प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, तो नीचे की कोमल चट्टानों पर सिरे से जल गिरने पर कोमल चट्टानी शैले गड्ढे में तब्दील हो जाती है। यही गड्ढे अपरदन द्वारा बड़े बड़े हो जाते हैं और आनिति गर्त का रूप ले लेते हैं। धीरे धीरे नदी का जल इस संपूर्ण कोमल चट्टानी परतों को काट देती है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर की कठोर आग्नेय परत बिना आधार के रह जाती है और एक तरह से पुनः वैसी स्थिति का निर्माण हो जाती है। इसलिए इस कठोर आग्नेय चट्टान की परतों को नदी जल आसानी से तोड़ देता है। इस चट्टानी परत के गिरने से जलप्रपात और पीछे की ओर हटने लगता है। इस प्रकार जलप्रपात पीछे हटते हटते नदी के उद्गम स्थान तक पहुंच जाता है। कभी कभी जलप्रपात स्वयं पीछे की ओर हटते जाते हैं और कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी कैनियन का निर्माण भी कर लेते हैं। इस प्रकार के बने विश्व प्रसिद्ध जल प्रपात ईरी झील से निकलने वाले नियाग्रा नदी पर भी देखा जा सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इस जलप्रपात से प्रति सेकेंड लगभग 212,000 घन फुट जल नीचे गिरता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसा जलप्रपात होगा और इसका दृश्य कैसा होगा।